ये जी, ये आपके भाई इमरान जी हैं और ये कलाकार हैं। देखो अपनी ये ट्रॉली है, बन के पूरी रेडी रेट हो गई और नाल बीकानेर बाईपास के ऊपर इनका बाड़ा है इमरान जी का। ये देखो कितनी ट्रॉलियां खड़ी है और पहले की ट्रॉली की जैसी ट्रॉली देखो, कितनी गजब। और पूरी चेंज कर दी इसको, ट्रॉली को आज लगेंगे इसके ऊपर, कलर करेंगे भाई साहब बोल रहे हैं। और पीछे यूट्यूब का निशान भी लगाएंगे। ये देखो बन के रेडी रेट हो गई और ये ट्रॉली पुरानी है और ये नई बन रही है। पुरानी नई जैसी भी हो तैयार कर देते हैं। ये देखो ये है मिस्त्री, बहुत बड़े कलाकार, और टूटी फूटी अगर गाड़ियां जितनी भी आती है उसके ये तैयार करते हैं। और ये देखो इसका जंगला वंगला सब तैयार किया है। स्पेयर पार्ट की दुकान भी है और नागौरी होटल के नाम से होटल भी है। ये भाई साहब हैं यहाँ के चेयरमैन। हम चले हैं गुजरात बीकानेर से, क्योंकि दो तीन दिन खोटी हो गए। वो देखो सामने सिग्ना खड़ी है और ट्रॉली दूसरे भाई की लेके रखी है। दो चक्कर हो गए और अभी तैयार हो जाएगी तो हम अपनी ट्रॉली लगाएंगे और दूसरी ट्रॉली भाई को दे देंगे। तो मेरे भाई अभी हम चले हैं गुजरात, बीकानेर टू गुजरात, और फिर वापसी पता नहीं कहाँ। अब के रूट महाराष्ट्र का लगता है या नेपाल का, भूटान का, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। मेरे भाई सिग्ना, और पीछे देखो ट्रॉली कैसी है, एसकेपी, और ये है बाईपास बीकानेर, और इस जगह का नाम है नाल बाईपास। बीकानेर बाईपास, नाल बाईपास दोनों। यहाँ पे बीकानेर मार्केट है। ये देखो सामने ट्रॉलियाँ बनाई जाती है, टूटी फूटी सब तैयार की जाती है। देखो बारिश का हाल, इतनी बारिश हुई अब की बार, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, खेतों में पानी भर गया, बेचारों का कितना नुकसान हुआ है। देखो जो फसल थी वो तो खराब हो गई है। देखो बरसात ज़्यादा काम की नहीं होती है, हमारे रेगिस्तान में तो जितनी आई उतनी कम है। बड़ी बड़ी खान थी देखो, पूरी भर चुकी है पानी से, तो माल कैसे सप्लाई होगा। और आज 8 दिन के बाद में लोडिंग चालू हुई है, तो गाड़ियों की लाइन देखो कितनी लगी हुई है। मेरे भाई 8 दिन से आज गाड़ी भरी है, तो मौसम भी अचानक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ये देखो कैसा मौसम हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और हम जो है बड़े मुश्किल से तिरपाल भी किया है। तो सामने देखो यार कितने मुश्किल से तिरपाल कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों के बाद में गाड़ी लोड हुई है और अब ये हाल है। भैया जी ये देखो गाड़ी फंस गई यार कादे में, बहुत ही मुश्किल, अब कैसे निकालेंगे। मेरे भाई आज सुबह से खाना नहीं खाया था, तो ये देखो कितनी रोटी इसको उठाना। इस्माइल जी आज नए मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं ये एक रोटी है और हम दो बंदे हैं, इसको नहीं खा पाएंगे। और बरसात की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बरसात है, और हम जो बड़ी मुश्किल से गाड़ी भर के आए हैं ऊपर की, बस बस बस, ये राजस्थान में सबसे खास बात है। और फिर ग्वार फली, हाँ डाल दो इसके अंदर डाल दो के बीच को बीच खड़ा है, भारतमाला रोड के ऊपर हैं, और सामने पहाड़ भी आ चुके, हरे भरे पहाड़ हैं। अभी क्यों बारिश बहुत ज़्यादा थी इसलिए हरे भरे पहाड़ भी हो चुके हैं। तो अब हम हैं बालोत्रा के पास में। रोड की बात करें तो कितनी आलीशान रोड है, बहुत ही ज़बरदस्त सड़क बनाई है। ये जो आपको हरे भरे दिखाई दे रहे हैं ये है अनार के बगीचे, यहाँ अनार बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और इधर देखो पहाड़ों के ऊपर हरे भरे पहाड़ हो चुके हैं, और मौसम भी बहुत सुहाना है, यहाँ अनार बहुत ही ज़्यादा पैदावार होते हैं। भाई ये देखो रास्ता बंद कर दिया, और इसमें 40 टन वजन है, और RTO बोलता है सांचोर वाला 50 टन है। और ये देखो तो इस बेचारे ने क्या करें, ये सामने बॉर्डर है, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। और ये देखो इस भाई साहब का कहना है हमारा वज़न 40 टन है और RTO 50 टन कह रहा है, और एंट्री मांग रहा है 5,000 रुपये।
अभी भाई इनका समझौता हो गया है और गाड़ी ये साइड में कर रहे हैं, बोला 100 रुपए दे दो और हम निकाल देंगे आपको। अभी देखो हम गुजरात में हैं और गुजरात में बागवाला रोड के ऊपर हैं और अंदर लोड प्योर अंदर लोड गाड़ी का भी 500 रुपए इंट्री दे रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी गाड़ी। ये देखो सामने ये धरादोल आरटीओ है और बहुत ज़्यादा लूट मचा रहा है भैया जी। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। तो हमें अभी गुजरात, तो गुजरात सुबह सुबह नहाया भी है और बारिश की बात करें तो चारों तरफ दलदल बन गया है मेरे भाई, चारों तरफ दलदल। मोरबी से हम 50 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, नहा धो के अभी रवाना हो रहे हैं। तो आगे की बात करें मौसम की तो बहुत ही बुरा हाल है मोरबी के अंदर भी, यहाँ मोरबी से पहले भी। ये देखो मेरे भाई, ये है अल्फा होटल गुजराती, यहाँ पे नहाने धोने का सुविधा बहुत ही अच्छी रहती है। और पार्किंग की बात करें तो 100-200 गाड़ी लग सकती है एक साथ में। तो ये देखो ये कंटेनर खड़े हैं और ये सामने पवन ऊर्जा और इतनी बड़ी पार्किंग है सामने 4 लाइन है, ये गाड़ियाँ खड़ी है और चारों तरफ दलदल बन चुका है, बरसात ही बरसात है, पता नहीं कब रुकेगी ये बरसात। और इधर खाए खेत है, तो ये हाल है बरसात का, मौसम साफ है बिल्कुल। ये देखो मेरे भाई, माल ये निकलते ही फैक्ट्रियाँ चालू हो चुकी है भाई। गुजरात में मोरबी आते हैं ना, थोड़े संभल के गाड़ी रोड से नीचे उतारे, पार्किंग से अलावा गाड़ी ना उतारे। तो ये देखो क्योंकि दलदल बन चुकी है और गाड़ी बैठने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ये बैठ गई देखो 27 किलोमीटर है और हम फिर एक होटल के ऊपर फिर रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे, खाना पार्सल करवाएंगे। मोरबी के अंदर खाना अच्छा नहीं मिलता है तो आज तो अच्छा खाना खाएंगे, तो इस होटल पे हम खाना पार्सल करवाएंगे और फिर चलेंगे हम मोरबी की तरफ। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, कंटेनर जितने खड़े हैं ये सारा खाना पार्सल करवाने के लिए रुके हुए हैं। ये किसी मशीन का एक पहिया है, एक पहिया, एक गाड़ी में एक ही पहिया आता है, बहुत बड़ी मशीन होगी। ये देखो लाखों का कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो यहाँ पे हम खाना पार्सल करवाएंगे और फिर निकलेंगे, यहाँ से हमारा सफ़र अभी तक 30 किलोमीटर पड़ा है। सामने वाली फैक्ट्री है और हम अभी पहुँच चुके हैं मिट्टी लेके, तो अभी सैंपल होगा हमारी गाड़ी में। ये रही देखो गाड़ी, और सैंपल के बाद में फिर सैंपल पास आया तो होगी खाली, वरना दूसरी कारखाने में जाना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं अभी, हम अभी जा रहे हैं कागज़ जमा करवाने के लिए।